हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मवरी गुरु। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जिपमर के टोटल सीट कितनी हैं, क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिपमर कराइकल और जिपमर पुडुचेरी दोनों कैंपस के बारे में हमने बात की थी। आज की वीडियो में बताऊंगा आपको कि जिपमर का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, पूरे डिटेल में बात होगी दोस्तों। उससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। सबसे पहले डिटेल में बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मीन्स सीबीटी मोड होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या होता है, 2.5 ईयर और मीन्स टोटल आपका 150 मिनट्स। इसी तरह से जो एग्ज़ाम की डेट होती है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून होती है। नंबर ऑफ शिफ्ट जिसमें एग्ज़ाम होता है, 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होता है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो मॉर्निंग शिफ्ट जो होती है वो 10 to 12:30 PM, इसी तरह से आफ्टरनून शिफ्ट होती है 3 to 5:30 PM। दोस्तों, एलोकेशन ऑफ शिफ्ट जो होती है वो रेंडमली कोई भी शिफ्ट आपको एलोकेट की जा सकती है। लोकेशन ऑफ एग्ज़ाम जो होता है वो 120 सिटी ऐसी होती हैं इंडिया में जिसमें एग्ज़ाम होता है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर होता है इंग्लिश। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वन पेपर होता है, केवल एक पेपर होता है जिसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं। टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमसीक्यू होते हैं, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक पेपर में जिपमर के, फिजिक्स के 60 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चंस होते हैं, बायोलॉजी के 60 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चंस होते हैं और लॉजिकल और क्वांटिटेटिव के 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं। मार्किंग स्कीम क्या है? मार्किंग स्कीम में करेक्ट अगर आपने आंसर दिया तो 4 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स ऐड हो जाते हैं आपके। अगर आपने इनकरेक्ट ऑप्शन दिया, 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, मीन्स 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, मीन्स अगर आपने रॉन्ग किया तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। इसी तरह से अनएंसर्ड अगर आपने क्वेश्चंस को छोड़ दिया तो आपको 0 मार्क्स दिए जाते हैं। दोस्तों, मेथड ऑफ डिटरमिनाइंग मेरिट, मेरिट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो परसेंटाइल के बेसिस पे आपका जो मेरिट होती है वो डिटरमाइन की जाती है। और जो अगर टाई होता है, मीन्स 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर टाई हो जाते हैं, मीन्स सेम हो जाते हैं, तो किस तरह से वो रैंक में आगे जाएगा या पीछे जाएगा, इसका भी एक एल्गोरिथम होता है, उसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, ये तो रहा बेसिकली क्या पेपर पैटर्न है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस बेसिकली आपके स्टेट बोर्ड का हायर सेकेंडरी और साथ ही साथ CBSE, NCERT, 11th और 12th, ये दोनों का सिलेबस होता है दोस्तों, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, खासकर CBSE, NCERT, 11th और 12th या फिर आपके स्टेट बोर्ड का भी मैटर करता है इसमें। तो ये दोनों ही मटेरियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप जिपमर की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। तो ये बात रही दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न और मॉड की। इसके अलावा मैंने बात किया था कि क्या सिलेबस है। आगे की वीडियो में हम कट ऑफ से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन लेंगे, साथ ही साथ ये भी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। That's all from my side. Do like, share and subscribe to Maverick Guru. Thanks. Bye and take care.